क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड 0.4 डिवाइड बाय 2। 0.4 को 2 से डिवाइड करना है। ऐसे हम डिवाइड करेंगे जैसे 0.4, पहले हमने पॉइंट ख़त्म किया 4/10, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करना है, यानी कि रेसिप्रोकल उसका 1/2, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 1/2। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा, इस तरह से इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो है पॉइंट में ही हमें ये रिप्रेजेंट करना है, तो 0.2 आ गया। 2/10 को क्या लिखोगे, 0.2। ऐसे ही 0.35 डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करना है, पहले हम इसकी पॉइंट को हटाएंगे। 0.35 यानी 35 बाय में क्या आ गया, पॉइंट की जगह 1 और फिर जितनी डिजिट है उतनी ही 0, मल्टीप्लाई 1/5, इसका रेसिप्रोकल 5 का 1/5, फिर इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके 7/100 आ गया। और ऐसे ही हमने पॉइंट जो है लगानी है, तो वो क्या आ गया आपका 0.07। इस 0 की जगह ये 7 और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 0, फिर 1 की जगह पॉइंट, तो आपका ये आ गया 0.07। इस तरह से आपने ये और क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, 651.2 डिवाइड बाय 4। 651.2 आपने ख़त्म कर दिया, तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 4 है इधर, तो यहाँ क्या आ गया, मल्टीप्लाई 1/4, इसका रेसिप्रोकल 4 का, फिर इसको आपने कट किया, ये आपका आ गया 1628/10, यानी कि 162.8। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 48/10, तो 4.8 डिवाइड बाय 10। 4.8 का पॉइंट ख़त्म किया आपने, वैसे इसको डिवाइड की फॉर्म में ऐसे लिख लिया, तो क्या आ गया 48/10। 10 तो पहले ही था, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई और कर दिया 10 से, तो 10 और 10 मिलके क्या हो गए 100, 48/100 आ गया, वो आ गया आपका 0.48, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा आपका, बाय में 100 है इसलिए। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, 52.5 डिवाइड बाय 10। जैसे 52.5 डिवाइड बाय 10 आपने लिख लिया, तो ऐसे ही इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया, 52 के बाद पॉइंट था, तो बाय में 10 ये और एक 10 आपको डिवाइड में दिया ही हुआ है, तो ये आ गया आपका 525/100। तो पॉइंट आपका कहाँ लगा, यहाँ, क्योंकि 2 डिजिट्स की ये 2 जीरो और यहाँ पॉइंट, तो 5.25। ऐसे ही आपने ये अगले पार्ट करने हैं, पॉइंट लगा के डिवाइड करना है इसको। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड 2.7 डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड करना आपको, तो 2.7 डिवाइड बाय 100 को कैसे लिखोगे, 27 डिवाइड बाय 100 ये आपको गिवन है, लेकिन 2.7 की आपने पॉइंट ख़त्म कर ली, इसलिए आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, पॉइंट ख़त्म करने के का यहाँ 10 लगाया आपने, और फिर ये क्या हो गया आपका 27/1000। 1000 में 3 जीरो है, इसलिए 3 डिजिट्स ऊपर हमने छोड़ दी, फिर उसके आगे हमने यहाँ पॉइंट लगाया है। ऐसे ही आपका 0.78 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ देखो 78/100, 100 आपका पॉइंट ख़त्म करने का, दूसरा 100 जो आपको गिवन है वही, फिर आपका क्या आ गया 78/10000। तो आपकी पॉइंट जो है लास्ट में 4 डिजिट्स है आपकी, 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट्स से पहले ही आपका ये पॉइंट लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 7.9 डिवाइड बाय 1000,
अब आपने डिवाइड 1000 से करना है, देखो 7.9 है, यहाँ आपने पॉइंट ख़त्म करना है, तो क्या आ गया 79 बाई 1000 जो आपको गिवन है, और एक पॉइंट जो है आपने ख़त्म किया उसका मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका क्या हो गया 10000 हो गया, 79 बाई 10000। तो यहाँ देखो 40 है, तो यहाँ हमने 4 डिजिट्स से पहले ही हमने क्या लगाना है पॉइंट। ऐसे ही 38.53 डिवाइड बाय 1000, 38.53 को डिवाइड किया, पहले पॉइंट हमने ख़त्म किया, यहाँ से हमने पॉइंट जो ख़त्म किया वो क्या आ गया 3853 डिवाइड बाय 1000 जो आपको गिवन है, और ये पॉइंट ख़त्म करने का आपका 100। तो आपकी ये डिजिट आ गई, यहाँ देखो आपकी 50 है, लेकिन स्टेटमेंट ऊपर 4 है, तो 10 इसके आगे लग जाएगी और उसके बाद पॉइंट लगेगा, देखो यहाँ जैसे लगाया है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, डिवाइड इसको पॉइंट ख़त्म करो फिर उससे डिवाइड करो। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट देखो 7 डिवाइड बाय 3 बाय 5। अब यहाँ 3/5 के पॉइंट को ख़त्म किया इसलिए ऊपर 10 आ गया आपका, तो इसको डिवाइड किया 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 और 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो 2 आंसर आ गया आपका। ऐसे ही 3.25 डिवाइड बाय 0.5, 3.25 डिवाइड बाय 0.5, अब पॉइंट ख़त्म कर लिया, बाय में 100 आ गया, और यहाँ आपने पॉइंट ख़त्म किया, ये जो नीचे 0.5 है इसका पॉइंट यहाँ लगा हुआ था इसलिए 1 और 0, तो ये 10/5 आ गया आपका। यहाँ आपने फिर इसको काट लिया एक दूसरे टेबल से, तो ये आ गया आपका 13/2 = 6.5 इसको डिवाइड करके। ऐसे ही आपका सिक्स पार्ट है 7.75 डिवाइड बाय 0.25, यहाँ आपने इसकी पॉइंट ख़त्म की, बाय में 100 आ गया, फिर आपने इस नीचे वाले की पॉइंट को ख़त्म किया, फिर यहाँ आपका 100 आ गया, 100 से 100 को डिवाइड किया, फिर 5 की टेबल पे ये डिवाइड करके आपका 31 आ गया। इसी तरह आपका आपके ये अगले पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पूछ रखा है। इन 2.4 लीटर ज़्यादा में दे रखा है आपको, एक व्हीकल जो है 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 लीटर में आपने निकालना है, तो कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, तो आपने डिवाइड करना है 43.2 डिवाइड बाय 2.4, इसको डिवाइड किया तो ये आपका क्या आ गया पॉइंट ख़त्म किया आपने, दोनों के यहाँ पॉइंट ख़त्म कर रखे हैं, बाय में 10 इसलिए आया है, 432 डिवाइड बाय 10, और ये रेसिप्रोकल हो गया आपका, यहाँ डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई में आके ये आपका रेसिप्रोकल हो गया, और इसको डिवाइड कर लिया 4 के टेबल से, तो इस तरह से ये आपका 18 किलोमीटर जो है आंसर आ गया।